कुछ बातें इससे पहले आपने सबक नंबर छः में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा हमारे नबी कौन हैं हज़रत सल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं हज़रत सल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए आपकी वालदा का नाम हज़रत बीबी आमना और आपके वालद का नाम हज़रत अब्दुल्ला है इस सबक में हम हज़रत मुहम्मद सल वसम के बारे में कुछ और बातें पढ़ेंगे यानी आपकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे कि आपने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुज़ारी आपकी आदात क्या थी आपने अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुज़ारा हम इस सबक में ये पढ़ेंगे पहली लाइन पर अपनी उंगली रखें और पढ़ें हज़रत महम्मद वसल्लम बचपन से ही बहादुर थे इस लाइन को एक दफ़ा फिर पढ़ें हज़रत मोहम्मद सलह वसल्लम बचपन से ही बहादुर थे दूसरी लाइन पर अपनी उंगली रखें और पढ़ें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बचपन से सच्चे और नेक थे इस लाइन को एक दफा फिर पढ़ें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बचपन से सच्चे और नेक थे यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कम उम्र थे आपकी उम्र बहुत कम थी आप उस वक़्त भी बहुत ज़्यादा बहादुर थे यानी आप किसी से नहीं डरते थे आप सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह से डरते थे आप इसके अलावा किसी दूसरे इंसान से किसी चीज़ से आप नहीं डरते थे आप बहुत बहादुर थे इसके साथ साथ आप अपनी छोटी उम्र से ही बहुत सच्चे और नेक थे यानी आप हमेशा सच बोलते थे हमेशा आपने सच बोला और हमेशा अच्छा काम किया ख़ुद भी अच्छा काम किया और दूसरों को भी अच्छा काम करने की तलकीन की हमेशा सच बोला और अच्छा काम किया अब पहली लाइन में से मुश्किल अल्फाज को अब तोड़ के साथ पढ़ना सीखेंगे लफ्ज़ बचपन बे चे बच पे नून पन बचपन बहादुर बे हे अधिफा बहा दाल रे दुर बहादुर सच्चे सीन चे सच चे बड़ी ए चे सच्चे लफ्ज़ नेक नून ये ने क्याफ नेक तीसरी लाइन पर अपनी उंगली रखें और पढ़ें काफिर भी हज़रत मोहम्मद सल वसल्लम को अच्छा समझते थे इस लाइन को एक दफ़ा फिर पढ़ें काफिर भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसम को अच्छा समझते थे यानी आप वसलम ने अपनी पूरी ज़िंदगी इतनी अच्छी गुजारी कि वो लोग जो इस्लाम को नहीं मानते थे मुसलमान नहीं थे वो भी आप सला वसलम को अच्छा समझते थे चौथी लाइन पर अपनी उंगली रखें और पढ़ें दुश्मन भी हज़रत महम्मद सल वसल्लम को ईमानदार समझते थे इसलिए लोग आप को अमीन कहते थे इस लाइन को एक दफ़ा फिर पढ़ें दुश्मन भी हज़रत महम्मद सल वसलम को ईमानदार समझते थे इसलिए लोग आप सल्हसम को अमीन कहते थे हज़रत महम्मद सल्ह वसम का बचपन आम बच्चों से मुख्तलिफ था आम बच्चों की तरह आपका बचपन नहीं था आप दूसरे बच्चों से बहुत मुख्तलिफ थे आपकी आदत बच्चों से मुख्तलिफ थी आप आपलम ने अपनी ज़िंदगी को इस तरह गुज़ारा कि आपके दोस्त आप के चाहने वाले वो तो आपको ईमानदार समझते थे वो लोग भी जो आपके दुश्मन थे हमेशा आपका बुरा चाहते थे वो लोग भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमानदार समझते थे यानी आप पर इस कदर यकीन करते थे कि अपनी कीमती से कीमती चीज़ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत के तौर पर रखवाते थे उन्हें यकीन होता था कि आप इतने ईमानदार हैं कि हम जो चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि के पास रखवाएंगे, हमें वो चीज़ बिल्कुल वैसी ही वापस मिलेगी इस यकीन के साथ वो अपनी तमाम कीमती चीज़ों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवा देते थे आपकी इस ईमानदारी की बिना पर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कहते थे पाँचवीं लाइन पर अपनी उंगली रखें और पढ़ें हज़रत महम्मद सल वसम ने अपने वालद को कभी नहीं देखा आप सल सल्ह वसम की विलादत वालद के इंतकाल के बाद हुई थी इस लाइन को एक दफ़ा फिर पढ़ें हज़रत मोहम्मद सल वल वसम ने अपने वालद को कभी नहीं देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वालहि वसल्लम की विलादत वालिद के इंतकाल के बाद हुई थी यानी आपने पढ़ा कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालहि वसल्लम पैदा हुए विलादत का मानी है पैदा होना जब आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालहि वसल्लम के सर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का साया उठ चुका था आपके वालिद इस दुनिया में मौजूद नहीं थे वो इस दुनिया से इंतकाल फरमा चुके थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिद को कभी नहीं देखा क्योंकि जब आप की पैदाइश हुई तो आपके वालद इस दुनिया में मौजूद नहीं थे इस लाइन में मुश्किल अलफा को तोड़ के साथ पढ़ेंगे द वाओ अलिफ वा लाम दाल लद वालद विलादत्ओ लाम अलिफला विला, दाल ते दत् विलादत्त इंतकाल अलिफ़ नूर इन ते कौ अलिफ़का लाम इंतकाल यानि हज़रत मोहम्मद सल् वसल्लम ने अपने वालद को कभी नहीं देखा आपकी विलादत आप के इंतकाल के बाद हुई थी छठी लाइन पर अपनी उंगली रखें और पढ़ें जब हज़रत महम्मद सल वसम छः साल के थे तो आप सल वसम की वालदा भी इंतकाल कर गई इस लाइन को एक दफ़ा फिर पढ़ें जब हज़रत मोहम्मद सल वम छः साल के थे तो आप सल्ह वालम की वालदा भी इंतकाल कर गई यानी जब आप सल वसम की उम्र शरीफ छः साल की हुई तो उस वक्त आपकी वालदा हज़रत बीबी आमिना रज़ी अल्लाह तह भी इस दुनिया से तशरीफ़ ले गई यानी आपके वालद का तो आपकी विलादत से पहले ही इंतकाल हो चुका था जब आपकी उम्र छः बरस की हुई तो आपकी वालदा भी इंतकाल फरमा गई सातवीं लाइन पर अपनी उंगली रखें और पढ़ें फिर हज़रत मोहम्मद सल वसलम को आपके दादा ने पाला इस लाइन को एक दफ़ा फिर पढ़ें फिर हज़रत मोहम्मद सल्ह वसल्लम को आप सल्ह वसलम के दादा ने पाला यानी जब आप वसल्लम के वालद के इंतकाल के बाद जब आपकी वालदा भी इंतकाल फरमा गई तो उसके बाद आप ही वाले ही वाले ही वसलम के दादा हज़रत अब्दुल मुतलिब ने आप अलैहि वसल्लम की परवरिश की आप वसल्लम को पाला इस सबक में आपने हज़रत सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम के बारे में कुछ बातें पढ़ी आपका बचपन कैसा था इसलिए आप सब बच्चों को भी कोशिश करनी चाहिए कि आप भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बहादुर बने हमेशा सच बोलें हमेशा अच्छा काम करें आप भी आप की तरह ईमानदार बने अगर कोई दूसरा बच्चा आपको कोई चीज़ अमानत के तौर पर आपके पास रखवाता है अगर आपको कोई चीज़ देता है तो आप उस चीज़ को ख़राब मत करें आप उस चीज़ को संभाल कर रखें और जब वो इंसान आपसे वो चीज़ वापस मांगे तो आप उसको उसी तरह वो चीज़ वापस करें इसलिए आप सब को कोशिश करनी चाहिए कि हमें हम हज़रत मोहम्मद वसल्लम की ज़िंदगी पर ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हम आप वाले 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 की अच्छी आदात को अपनाएं और आप वसल्लम की ज़िंदगी पर अमल करने की कोशिश करें इस सबक़ को एक हफ़्ते में मुकम्मल करना है इसी लेक्चर को बार बार सुने और याद करें और अपना काम इस्लामियात की कापी पर लिखें